Hello students I'm Priyanka your mentor Today we'll do social studies Today we'll start with the chapter number 4 that is Forms of Land Let's kick start Write N for the states situated in North India S for the states situated in South India E for the states situated in East India and the W for the states situated in West India. And the states are 1. Kerala. 2. Punjab. 3. Gujarat. 4. Odisha. 5. Andhra Pradesh. 6. Maharashtra. 7. Assam. 8. Haryana. And the last one is 9, that is Tamil Nadu. Okay. We live on the earth. It is the densest major body in the solar system. It is like a giant ball. It is made up of land and water. It is surrounded by air. Three fourths of the surface of the earth is covered with water. One fourth of the surface is land. A globe is a model of the earth. As we all live on earth, humps up अर्थ पे रहते हैं जो हमें पता है ओके okay? अर्थ क्या है अर्थ एक ज्वाइंट बॉल है इट इज अ बिग जॉइंट बॉल ऑफ राउंड शेप ओके अर्थ किससे बना है हमारा अर्थ लैंड और वाटर दोनों से ही बना है जो एयर से सराउंडेड है ओके okay? हमारे अर्थ का थ्री फोर्थ सरफेस पानी से कवर्ड है इसलिए हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है और जो ग्लोब है वो मॉडल ऑफ द अर्थ कहलाता है नाउ द नेक्स्ट इज डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ द सर्फेस ऑफ लैंड इज नॉट द सेम एवरीवेयर द हाई लैंड्स एंड द लो लैंड्स फॉर्म द नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक इट मीन्स कि हमारा जो लैंड है वो सेम नहीं होता है लैंड हर जगह पे अलग अलग तरीके का होता है कहीं पे हाई लैंड होता है कहीं पे लो लैंड होता है दैट इज द करेक्टेस्ट ऑफ द अर्थ नाउ द फर्स्ट वन इज प्लेन्स द फ्लैट लैंड एरिया इज कॉल्ड अ प्लेन मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द प्लेन्स प्लेन plain क्या होता है प्लेन एक फ्लैट लैंड होता है और जहाँ पे लोग रहते हैं और मोस्ट ऑफ द जो पीपल हैं मोस्ट ऑफ द पीपल लिव ऑन द फ्लैट लैंड प्लेन लैंड ओके लाइक वी आर इन डेली वी लिव इन डेली डेली इज अ फ्लैट लैंड ओके द सॉइल ऑफ प्लेन्स इज रिच क्रॉप्स आर ग्रोन है जो प्लेन लैंड की सॉइल होती है वो बहुत ही रिच होती है मतलब बहुत ही अच्छी होती है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए मोस्ट ऑफ द हाउसेस फैक्ट्रीज रोड्स रेलवे ट्रैक्स एटसेट्रा आर बिल्ट हेयर मोस्ट ऑफ द जो हाउसेस होते हैं फैक्ट्रीज होती हैं रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो प्लेन लैंड पे ही बनाए जाते हैं नाउ द नेक्स्ट इज Hills and mountains. High areas of land are called hills. Very high areas are called mountains. The mountains have high peaks and steep slopes. Some mountains are covered with snow. Throughout the year, hills and mountains are covered with dense forest. It is difficult to build roads. देर हिल्स एंड माउंटेंस क्या होते हैं जो हाई एरियाज होते हैं उन्हें हम हिल्स कहते हैं और जो बहुत हाई एरियाज होते हैं उन्हें हम माउंटेंस कहते हैं जैसे उत्तराखंड हिमाचल इन पर क्या है ये पूरा माउंटेन एरिया है यहाँ पे बड़े बड़े माउंटेंस होते हैं जो एक पूरा शहर है वो माउंटेंस में ही है ओके okay? माउंटेंस की क्या होती हैं हाई पीक्स होती हैं मतलब वो बहुत ही बड़े होते हैं ओके okay? और कुछ माउंटेंस पूरे ईयर स्नो से कवर रहते हैं नाउ द नेक्स्ट इज वैली वॉट इज वैली अ लो लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स इज कॉल्ड अ वैली द वैली इज फर्टाइल लैंड ऑफन अ रिवर फ्लोज थ्रू अ वैली वैली क्या होता है वैली एक लो लैंड है जो दो हिल्स के बीच में होता है और माउंटेन्स के ओके okay? जो वैली होती है वो बहुत ही फर्टाइल लैंड होती है और उसमें से रिवर भी फ्लो करती है नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट दैट इज प्लेट्यूज अ फ्लैट लैंड विच राइजेज द सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड अ प्लेट्यू प्लेट्यूज हैव अ रॉकी सरफेस इट इज नॉट फर्टाइल फ्लैट लैंड जो होता है उसे हम प्लेट्यू कहते हैं और जो प्लेट्यूज होते हैं वो बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होते हैं बिकॉज वो रॉक से बने होते हैं वो पत्थर के होते हैं नाउ द नेक्स्ट इज फॉरेस्ट फॉरेस्ट कवर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ

इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए नाउ द नेक्स्ट इज डेजर्ट्स सम पार्ट्स ऑफ लैंड विच रिसीव वेरी लिटिल और नो रेन इज कॉल्ड अ डेजर्ट डेजर्ट हैव वेरी लिटिल वाटर एंड वेजिटेशन ओनली अ फ्यू क्रॉप ग्रो इन अ डेजर्ट पीपल कीप कैमल्स इन डेजर्ट डेजर्ट क्या है डेजर्ट वो एरिया है जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है या होती ही नहीं है डेजर्ट में पानी की स्केसिटी होती है और बहुत कम मात्रा पाई जाती है पानी की नेक्स्ट इज आइलैंड अ पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड इज कॉल्ड एन आइलैंड। आइलैंड क्या होता है आइलैंड वो जगह है जो चारों तरफ से पानी से कवर्ड होती है ओके केयरिंग फॉर लैंड प्लांट ट्रीज कंजर्व वुड रिसाइकल वेस्ट प्रोडक्ट हम अपने लैंड को कैसे केयर कर सकते हैं हम अपने लैंड की केयर कैसे कर सकते हैं हमें ज्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए अपनी लकड़ी को वुड को कंजर्व करना चाहिए और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिसाइकल करके यूज करना चाहिए नाउ इट्स टाइम टू लुकिंग बैक अर्थ इज द डेंसे मेजर बॉडी इन द सोलर सिस्टम द सर्फेस ऑफ द लैंड इज नॉट द सेम एवरीवेयर द फ्लैट लैंड एरिया इज कॉल्ड अ प्लेन हाई एरियाज ऑफ लैंड आर कॉल्ड हिल्स अ लो लैंड बिटवीन टू हिल्स Or mountains is called a valley. A part of land surrounded by water from all sides is called an island. Thank you. Now we'll meet in the next class. Bye, students.